नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बक्सर खबर डेली बुलेटिन में आपका स्वागत है। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं एलेन सोली। पीपी रोड पुरानी कचहरी के सामने चर्च मार्केट बक्सर मिल रहा अच्छी खरीद पर प्यारा उपहार। राज कोचिंग सेंटर नगर परिषद कार्यालय के ठीक पीछे बिहार बोर्ड CBSE इंटरमीडिएट के नए सत्रों में नामांकन शुरू, करें संपर्क। बंधन बैंक लूटकांड का हुआ खुलासा, मामले में दो लुटेरे गिरफ्तार, अन्य की तलाश जारी। सरिया लदा औरंगाबाद से लूटा गया ट्रक बक्सर में बरामद, मामले में दो गिरफ्तार। ट्रक और पिकअप की टक्कर में घायल एक व्यक्ति की मौत, दो को किया गया गंभीर हालत में पटना रेफर। और नाव की मरम्मत करने गए बढ़ई की हत्या, यूपी की सीमा से मिला शव। खबरें विस्तार से के प्रायोजक हैं आरके ज्वेलर्स, आकर्षक आभूषणों के विश्वसनीय विक्रेता यमुना चौक। काम धेनु नैक, नए जमाने की मजबूत सरिया। जिंदल पैंथर सीमेंट एवं सरिया के मुख्य विक्रेता गंगा सागर बिल्डिंग मटेरियल गोलंबर बक्सर एवं सिमरी। नावा नगर स्थित बंधन बैंक में हुई लूट का पुलिस ने खुलासा कर लिया है। घटना के 1.5 माह बाद इसमें संलिप्त दो अपराधियों को गिरफ्तार करने में पुलिस ने सफलता हासिल की है। हालांकि उन्हें रोहतास पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस सिलसिले में डुमराव के SDPO राज ने बताया कि बंधन बैंक मामले में विक्रमगंज से दावत थाने के भुंडाडीह निवासी श्रीकांत यादव और सिहरकट्टा थाना के पंसारी गाँव निवासी अजय चौधरी को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार युवकों ने नावा नगर बंधन बैंक में हुई लूट की घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। साथ ही घटना में शामिल मास्टरमाइंड जगदीशपुर गांव निवासी वासुदेव शाह की भी पहचान हुई है, जो अभी झारखंड के जेल में बंद बताया जा रहा है। साथ ही अन्य अपराधियों की भी पहचान कर ली गई है, जिनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि 20 अप्रैल को नावा नगर बाजार स्थित बंधन बैंक की शाखा से अपराधियों ने हथियार के बल पर दिन दहाड़े 2,67,000 नगद लूट लिए थे। अपराधी वहां से 2 टैबलेट और 3 मोबाइल लूट कर भी भाग गए थे। तभी से पुलिस लुटेरों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास कर रही थी। 2 दिन पूर्व विक्रमगंज में हुई निजी बैंक लूट के अनुसंधान में जुटी रोहतास पुलिस द्वारा की गई अपराधियों की गिरफ्तारी में नवा नगर में हुई लूट का भी खुलासा हो गया। औरंगाबाद से लूटा गया ट्रक जिले की सीमा में बरामद किया गया है, जिस पर लाखों रुपए मूल्य की सरिया लदी हुई थी। नवानगर थाने की पुलिस ने उसे रूप सागर गांव के समीप पेटीट भट्टे से बरामद करने में कामयाबी हासिल की है। इस सिलसिले में पुलिस ने 2 युवकों को भी गिरफ्तार किया है, जिनमें सूर्यदेव सिंह ग्राम अतिनी थाना नवानगर एवं भोजपुर जिले के ग्राम बजरामा थाना धनगाई के नवजीत सिंह शामिल है। सूत्रों की माने तो दोनों की गिरफ्तारी जिला पार्षद प्रतिनिधि मुन्ना सिंह के घर से हुई है। पुलिस इस मामले में ईंट भट्टा संचालक और पंचायत प्रतिनिधि को शक की नजर से देख रही है। SP नीरज कुमार सिंह ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया है कि दोनों की भूमिका की जांच की जा रही है। इसके अलावा इस लूटकांड में शामिल अन्य लुटेरों की शिनाख्त भी की जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार 7 जून को यह ट्रक औरंगाबाद जिले के बारून थाना क्षेत्र से लूटा गया था। एक कार में सवार 4 लोगों ने हथियार के बल पर ट्रक को रोक लिया, चालक और खलासी को बंधक बना लिया। बारून की पुलिस ने इसकी बरामदगी के लिए अभियान शुरू किया था। जांच में पता चला ट्रक बक्सर की तरफ गया है। दोनों जिलों की पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई में ट्रक को बरामद करने में कामयाबी हासिल की है। डुमराव में स्थित BMP 4 के ग्राउंड में रविवार की सुबह प्रशिक्षु सिपाही दौड़ लगा रहे थे। इस दौरान एक एक कर 10 सिपाही गश्त खाकर गिर पड़े। सूचना के अनुसार पड़ रही अत्यधिक गर्मी के कारण ऐसा हुआ। सभी सिपाहियों को तत्काल डुमराव के अनुमंडलीय अस्पताल में ले जाया गया, जहां से 8 लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी मिल गई। 2 सिपाही जिनका नाम सूरज कुमार और सज्जन कुमार है, उनकी मूर्छा नहीं टूटी। ऐसी स्थिति में उन्हें बक्सर सदर अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन वहां से उचित उपचार के लिए वहां शहर के गोलंबर स्थित एक निजी अस्पताल में दाखिल कराया गया। इस संबंध में पूछने पर SP नीरज कुमार सिंह ने बताया, सूरज कुमार को होश आ गया है, वह बेहतर महसूस कर रहे हैं, अस्पताल से छुट्टी भी मिलने वाली है। फिलहाल सज्जन कुमार का उपचार अभी चल रहा है। वैसे पुलिस का कहना है कि दौड़ सुबह 5 बजे से 6 बजे के बीच में हो रही थी, लेकिन सूत्रों की माने तो फाइनल राउंड चल रहा था, तब तक धूप हो गई थी और इसी वजह से ऐसा हुआ।
कोचस मुख्य मार्ग पर राजपुर थाना क्षेत्र में रविवार की रात 7:45 लगभग खड़े ट्रक से बारातियों की पिकअप जा टकराई। इस घटना में आगे बैठे 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इनमें से एक व्यक्ति की उपचार के दौरान सोमवार की सुबह मौत हो गई। उनका नाम सुनील गुप्ता है, जो नगर थाना क्षेत्र के रहने वाले बताए जाते हैं। अन्य 2 घायल भरत व गौरव को उपचार के लिए रविवार की रात ही सदर अस्पताल से पटना रेफर कर दिया गया। युवक की मौत के बाद सदर अस्पताल में परिजनों ने जमकर हंगामा भी किया। उन्होंने चिकित्सकों पर लापरवाही का आरोप लगाया, क्योंकि इस युवक को हम पट्टी कर यहीं अस्पताल में भर्ती किया गया था, लेकिन सोमवार ही तड़के उसकी मौत हो गई। अगर हालत गंभीर थी तो उसे भी रेफर करना था, यह परिजनों का आरोप है, जिसे लोग जायज भी ठहरा रहे हैं। रविवार को दुर्घटना के वक्त यह पता चला था कि बारात रोहतास के चेनारी से इटाली जा रही थी। साइबर ठगों ने एक महिला के खाते से 1,00,000 रुपए उड़ा लिए हैं। पीड़िता ने इसकी शिकायत डुमराव थाने में दर्ज कराई है। रजडीहा गांव के इदरीस अंसारी की पत्नी नूरजहां खातून ने पुलिस को दिए आवेदन में बताया है कि वह अपने मोबाइल से पेटीएम चलाती हैं। मोबाइल पर एक अनजान नंबर से फोन आया और वह खुद को बैंककर्मी बताते हुए मेरे खाते का डिटेल्स मांगने लगा। नूरजहां ने बताया कि वह उसके झांसे में आ गई। जैसे ही अपने खाते की डिटेल्स बताई, मेरे मोबाइल पर 1,00,000 रुपए कटने का मैसेज आ गया। तब जाकर उसे इस बात का इल्म हुआ कि वह ठगी का शिकार हो चुकी है। इसके बाद वह थाना पहुंची और इसकी शिकायत दर्ज कराई। पीड़िता की माने तो वह काफी गरीब है और काफी परिश्रम से पैसे जमा किए थे। पुलिस FIR दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई है। थानाध्यक्ष ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया है कि पूरे मामले की तहकीकात की जा रही है, लेकिन यहां सबसे जरूरी यह है कि ठगों द्वारा किए गए फोन के झांसे में न आए। इसके लिए जरूरी है कि बगैर पहचान के अनावश्यक नंबरों पर आप बात भी नहीं करें, अन्यथा लेने के देने पड़ सकते हैं। बढ़ई का काम करने वाले खखनू शर्मा की हत्या हो गई है। उनका शव सोमवार की सुबह गंगा उस पर गाजीपुर जिला के भावरकोल थाना से बरामद किया गया है। परिजन उनकी तलाश रविवार की शाम से ही कर रहे थे। घर वालों ने बताया कि वे बढ़ई का काम करते थे। शर्मा मुफसिल थाना क्षेत्र के कटघरमा के निवासी थे। हत्या की सूचना मिलने के बाद परिजन मुफसिल थाना पहुंचे। पुलिस को उन लोगों ने बताया कि रविवार को घर से यह कहकर निकले थे कि चौसा में नाव की मरम्मत करने जा रहे हैं, लेकिन शाम हो गई वे घर नहीं लौटे। परिजन उन्हें बार बार फोन मिला रहे थे, लेकिन फोन बंद आ रहा था। इसी बीच सोमवार की सुबह पता चला कि चौसा घाट के ठीक सामने दूसरी तरफ यूपी की सीमा में खखनू शर्मा का शव पड़ा है। खबर मिलते ही गांव के लोग मुफसिल थाने की टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने इसकी सूचना भावरकोल थाने को भी दी, क्योंकि शव उसी की सीमा में पड़ा था। पुलिस ने यूपी पुलिस के साथ मिलकर पूरे मामले को गंभीरता से लिया और खखनू शर्मा का शव कटघरवा लेकर आई है। शव को देखकर अनुमान लगाया जा रहा है कि उनकी हत्या की गई है। वैसे पुलिस मौत की वजह जानने के लिए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज चुकी है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने इस मामले में कुछ लोगों को हिरासत में भी जांच के लिए लिया है।